आप जैसा ही एक बोला भगत था किसी झोपड़े में रहने वाले संत के पीछे पड़ गया। वो बड़े दुर्बल भी थे, बूढ़े भी थे, शरीर से भी बलहीन थे, कमजोर थे, उनका शिष्य बन गया और गुरु महाराज की खूब पैर दबाता, सेवा करता। लोग हंसते, अरे इस डोकरे की क्या सेवा करता है, ये झोपड़े में खुद ही पड़ा, रोटी का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, ये तेरा क्या कल्याण करेगा। आजकल क्या है, मीडिया में जो सबसे ज्यादा छाए हुए हैं, आजकल क्या है, जिसका बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है, प्रचार, उनको गुरु बनाने एक भीड़ घूम रहा है। मैं हर मंच पर बोलता हूं, कम से कम किसी को गुरु बनाने के पहले 3 महीना तो भी उनके साथ रह के उनके आचरण और योग्यता को परखिए, फिर गुरु बनाइए, पहले नहीं बनाना। सत्य वचन भगवान। 3 महीना तो बहुत जघन्य समय बता रहा हूं, उतने में तो गुरु को पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि आजकल गुरु के नाम में स्त्री लोलुपी, पैसा लोलुपी, लुच्चे लफंगे सब गुरु बन के बैठे हुए। पैसा मांग रहा है तो गुरु नहीं है, ध्यान रखना, दक्षिणा मांग रहा है, दक्षिणा दक्षिणा मैं कर रहा हूं कुछ, मुझे दक्षिणा। स्त्रियों को देख के, बहन आ जाना, आपको मंत्र दूंगा, मंत्र दीक्षा दूंगा, रात में ये मंत्र, एकांत मंत्र, अकेले में आना, समझना ये सब दुष्ट प्रकृतियां हैं, इनको आप लोग बढ़ावा देने से ही राम रहीम जैसे नालायक भी बाजार में संत बन गए। सत्य वचन भगवान। आपको उसमें सावधान रहना ही पड़ेगा। अब ये तो सेवा कर रहा, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये बूढ़े की क्या सेवा करे, इसमें शक्ति नहीं है। ये बोलता था, आप मेरी गुरु की शक्ति मत देखो, मैं मेरी गुरु की शक्ति कितनी है ये नहीं जानता, लेकिन मेरे गुरु की आशीर्वाद की शक्ति कितनी है ये मैं जानता हूं। जय गुरुदेव। आप संतों को उनके शरीर से, रूप से, रंग से मत तोलो, उनके भजन से तोलो, तभी आपका कल्याण होगा। आप संतों का, आजकल संत बड़ा पगड़ी पहन के, तिलक लगा के, कृष्ण बन के कथा मंचों में बैठते हैं और लोग आकर्षित होते हैं। अरे उनके रूप से तुझे क्या लेना है, अगर वो कृष्ण के भजन आपको सुना रहे हैं तो अंतर में भी कृष्ण के भजनानंदी होना चाहिए, वो संत है। सत्य वचन। वेश करके बैठ गया, पगड़ी पहन लिया, तिलक पहन लिया, मुंह पर पूरी आधा घंटा ब्यूटी पार्लर में मेकअप करके आते हैं। आपको बता दूं, 25 साल से इस शरीर ने कंघा नहीं लगाया है, लोगों को लगे कितना बाल सवरा हुआ, भगवान जाने के नाते ही बाल सही हो जाते हैं, आज तक कंघा नहीं लगाया है मैंने। जय जय गुरुदेव। से दीक्षा ली, आपको देखो कितना बढ़िया सजा हुआ, देखो है कि नहीं। सत्य वचन भगवान। ये देखो कैसे जटा वाला ऐसे लटका, क्योंकि कंघा नहीं लगाया, लटक गया मामला, मेरा लटका क्या, कैसे होता है राम जाने, जब दीक्षा ली आज तक कंघा नहीं लगाया वापस, इसकी शिश्रषा करने के लिए नहीं मिला है जन्म। बोला निरंकार गुरुदेव की। संत जो कथा मंच पर बैठ रहे हैं, आधा घंटा मेकअप करके आ रहे हैं ब्यूटी पार्लर में। अब आप संतों को पहचानो, और वो भक्त लोगों को कहता था कि मैं गुरु के आशीर्वाद को जानता हूं। धीरे धीरे संत का समय खत्म होने आया, अंतिम श्वास गिन रहे थे, उनको मालूम पड़ा कि ये एक ही मेरा चेला है जो आज तक मेरी सेवा किया। मैं भूखा मरता था तो 2 रोटी कहीं से लाके डालता, और दुनिया में ये डंके की चोट पर बोल के घूमता है कि तुम मेरे गुरु की शक्ति पर नहीं, उनके आशीर्वाद की शक्ति पर विश्वास करो। किस पर? आशीर्वाद की शक्ति पर विश्वास। गुरु मरते समय उसको आंख में पानी आ गए, गुरु को, उनको पता है कभी श्वास निकलने वाला है। अब संत की कौन पत्नी न कौन बच्चे, वो अकेला खड़ा, वो भी रो रहा है, गुरु मरा मत चले जाना, मारा हमको छोड़ के चलेगा, कौन बचे। जो गुरु की श्रद्धा करता है वो गुरु के बगैर कैसे जिए महाराज, रोता है। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म,
का कोई इज्जत नहीं समाज में संसार में, वो कह रहे हैं बेटा तूने मेरी बहुत सेवा की, मैंने भी भगवान के लिए भजन किया, मैं अपने लिए नहीं किया भगवान के लिए भगवान की भजन की, अगर मेरी कोई साधना की शक्ति रही हो तो आज तुझे आशीर्वाद देता हूं, जा बेटा इतने दिन मेरे सेवा में पड़ा रह गया, तूने कुछ नहीं किया अपने लिए, अब जा संसार में 2 रुपए का मेहनत कर, मैं आशीर्वाद देके जाता हूं, तू मट्टी में भी हाथ डालेगा तो सोना हो जाएगा, तू मट्टी में भी हाथ डालेगा तो सोना हो जाएगा बेटा। बड़े प्रेम से गुरु महाराज ने प्राण त्याग दिए, चेला उनका अंतिम क्रिया जैसे तैसे जो लकड़ी मिली जो चीजें मिली खुद लाश को 2 जन को बुला के उठा के समाप्त किया और फिर काम करने गया। बड़ा आश्चर्य हुआ जिस दिन वो चना बेचने निकला कि भाई 2 रुपए का चना बेचूंगा, सामने कोई ऐसा संयोग आया उसको कि उसी दिन उसको बहुत नफा हुआ, धीरे धीरे 1 साल में गांव के नगर सेठों में नंबर आ गया उसका, और जिसमें हाथ डाले वही सोना हो, हर समय उसको वो बुजुर्ग संत की वाणी कान में सुनाई दे कि तू जिसमें हाथ डालेगा वो सोना हो जाएगा। अब उसको मिलने दुनिया के सभी लोग मिलने आए, जो धक्का मार के बाहर निकालते थे, पहले इसका नाम मुन्नी लाल था, आज भी मुन्नी लाल है, पहले लोग उसको ये मुनिया क्या बुलाते थे, मुनिया, ये मुनिया, आज मुन्नी लाल जी, क्यों भाई वही आदमी है, फर्क क्या आया बताओ, क्या फर्क आया, पैसे की, अरे मुंह से बोलो पैसे, हाँ पैसो प्यारो रे दुनिया में लागे मोहन गारो रे, के पैसो प्यारो रे, पैसो प्यारो रे दुनिया में लागे मोहन गारो रे, के पैसो प्यारो रे, पैसो खातिर परमेश्वर रो सो 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 गन खावे रे, पैसो खातिर परमेश्वर रो सो 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 गन खावे रे, पैसों नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं माने रे, के पैसों प्यारो रे, अरे थोड़ा बहुत मालवी में बोलने से माताओं को लगे कि हमारे महाराज है, हमारे अपने महाराज आए तो महाराज इतना पैसा वाला हो गया, खोटे काम में पैसा डाले तो भी नफा, अच्छा काम में पैसा, इतना पैसा हो गया कि अब दिमाग काम नहीं करे कि पैसा कहाँ रखूं, गांव में लायंस क्लब का प्रेसिडेंट कौन, मुन्नीलाल जी, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट कौन, मुन्नीलाल जी, बनिए समाज के अध्यक्ष कौन, मुन्नीलाल जी, जेसीस के प्रेसिडेंट कौन, मुन्नीलाल जी, रोटरी के प्रेसिडेंट कौन, मुन्नीलाल जी, चारों तरफ नाम छा रहा, दोस्त ऐसे बड़े बड़े फ्लाइट में उतर के मिलने आते, पहले बाजू गली वाले थोड़ा सा शक्कर मांगने जाए तो उधारी देने से मना करते थे, आज मेरिन ड्राइव से फ्लाइट पकड़ के मुन्नीलाल जी को मिलके बिजनेस मीटिंग करने के लिए लोग आते हैं। एक दिन इन दोस्तों से बैठ के बात करके मुन्नीलाल जी बोले, भाई नफा 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 तंग आ गया, कोई नुकसान होना चाहिए, मुझे अब नुकसान एक बार देखना है, बहुत थक गया, आप बहुत मीठा खाओगे ना, बहुत मीठा, और घर में कुछ नहीं हो तो एक हरी मिर्च का टुकड़ा तो भी चबाने का मन कर देगा बाद में, ध्यान, सत्य सत्य वचन, बहुत मीठा खा के, इसलिए आज भी फाफड़े के जलेबी के साथ हरी मिर्च रखी जाती है, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव को जानता है ईश्वर के, जितनी जलेबी खाएगा और फाफड़ा खाएगा हरी मिर्च मांगेगा ये मन, सनातन सत्य भगवान,
बाप ये कहता मुझे नुकसान देखना है एक बार जीवन में। दोस्त कहते यहाँ का नुकसान होगा, तू जिसमें हाथ डाले उसी में पैसा। फोर्ब्स मैगजीन में तेरा नाम वर्ल्ड के रिचेस्ट में 12वें नंबर में, तू अंबानी अदानी का बाप है, तू कैसे गरीब होगा जी भगवान। ये कहता नुकसान तो देखना। तो एक दोस्त कहता है ये काम कर, अरब देश से लवंग आता है भारत में। कहां से? अरब देश से लवंग भारत में आता है, तू लवंग वापस अरब देश जहाजों में भेज, तू भी जा साथ में उधर बेच। यहां से आया वापस जाने का खर्चा लगेगा जी भगवान, उधर ही बेचने जाएगा दुगुना तो खर्चा लग जाएगा ना, उधर कौन लेगा तेरा, क्योंकि वहीं बिकता है आधा भाव में बिकेगा, नुकसान हो जाएगा जी। जा एक बार नुकसान देख, क्या देखना है नुकसान कैसे होता है, क्योंकि इतने वर्ष से नफा देख देख के 516 गोदाम रुपयों से भरे हैं, न 3000 गोदामों में माल भरे हैं, अब तंग आ गया पैसा देख देख के। एक बार नुकसान भी कैसा होता है थोड़ा देखना चाहता हूँ। हाँ, 500 जहाजों में लवंग भर ली, जो लवंग जहां से आया था 3 महीने पार करके भारत में, 3 महीना पार करके ये खुद अपने सेवकों के साथ उस देश में पहुंच गया, पहुंच के बेचने के लिए के लवंग बेचूंगा। जैसे ही उधर बंदर पर उतरने जा रहा है समुद्र के किनारे, चहल पहल मची हुई है, वहां का जो बादशाह है वहां समुद्र किनारे तैल रहा है और बहुत सारे सिपाही पीछे पड़े। ये जैसे ही नीचे उतरा, बहुत बड़ा व्यापारी आया, देख बादशाह उसको देखता है, लेकिन वो चिंता में पड़ा है। पास के सिपाही को ये मुनीलाल पूछता है कि क्यों चिंता में है बादशाह? अरे उनकी एक अंगूठी आज सुबह यहाँ टहलने आए थे उस समय समुद्र के इस किनारे मिट्टी में गिर गई है, और ये कोई औलिया की दी हुई अंगूठी है, और उन्होंने कहा है कि ये अंगूठी जिस दिन घूमेगी 24 घंटे में तेरा प्राण निकल जाएगा। कितनी देर? 24 घंटे में प्राण, 24 घंटे में प्राण निकल जाएगा। इसलिए उनको घबराहट आ गई कि अब 24 घंटे में मरी जाऊंगा तो फिर बादशाह क्या है ना, बादशाह क्या। वो अंगूठी ढूंढने में 1,00,000 सिपाही लगा दिए, सुबह से घूम रहे कुछ नहीं हुआ। ये बादशाह के पास जाके खड़ा हुआ, जय राम जी की। आप ध्यान रखो, आप जिनको मानते हो ना, सामने वाला कोई भी हो, आप जिनको मानते हो उनके नाम से ही आपको नमस्कार करना चाहिए। सत्य वचन भगवान, सत्य वचन। सामने वाले की मान्यता पर झुक रहे हो तो आप अपने धर्म के नालायक हो। सत्य वचन, कटु सत्य, सत्य वचन। हाँ, आजकल ईद मुबारक भी हमारे लोग कहने लगे, क्रिसमस के दिन विश करने लगे, क्रिसमस के दिन केक काटने लगे, क्रिसमस के दिन कई सनातनी घर में लाइटें लगा रहे हैं जी भगवान, कई लोग सांता क्लॉस बन रहे हैं। सांता क्लॉस? हाँ बिल्कुल, ये तो छोटा गांव है शायद यहाँ सब इतना होता है, इसलिए ज्यादा इस बात को दौड़ाए नहीं। इधर भी बनते हैं, सुजालपुर में भी बनते हैं। हाँ छोटा है पर आज बहुत बड़ा हो गया, इतना विशाल मंडप छप्पर फाड़ के, जय जय गुरुदेव। तो महाराज ये जय राम करे, बादशाह बात नहीं करे, क्या बादशाह क्या बात है? अरे शांत रहो, मेरे घंटे गिन रहे हैं, अभी खत्म हो जाऊंगा, मेरी अंगूठी गई, मेरी ओलिया की दी हुई। ओलिया बोलते इसको अपना गुरु याद आए, वो भी तो एक ओलिया थे जी। उसने कहे मेरे ओलिया बहुत शक्तिशाली, ये बोले मेरी ओलिया की दी हुई अंगूठी गई। भाई किसके ओलिया कैसा हो तो क्या पता, इसको गुस्सा आ गया अपने गुरु की ऐसी बात सुनते। मेरे गुरु ने कहा कि मैं मट्टी में हाथ डालू तो भी सोना होता है, ऐसे बोलते बोलते मट्टी देखा समुद्र का, तो गुस्से में मिट्टी में हाथ डालू तो सोना होता, मिट्टी उठा के दिखाने के लिए मिट्टी भी सोना होता, ऐसे हाथ डाला ने ऐसे किया तो उसमें अंगूठी निकल के आ गई। जय गुरुदेव, बोले सत्य वचन गुरुदेव की। अब मिट्टी में भी सोना निकले, सच्ची में अंगूठी निकल गई। बादशाह, या अल्लाह शुक्रिया शुक्रिया भाई, तू कहां से आया, देवता का भेजा हुआ फरिश्ता है तू, तू मेरे लिए ही आया है, इसको थोड़ा, इसको गुलाब जल पिलाओ रे, इसको जूस पिलाओ, इसको ठंडाई पिलाओ, इसको थोड़ा सेवा करो रे, ये कहां से आया, सच्ची में तेरा ओलिया पावरफुल है, तू काहे लिए यहां आया? मैं 500 जहाज भर के लवंग लाया हूं, लवंग हमारे देश में, हमारे देश से तो लवंग बाहर जाते, यहां कहां लाया, यहां तो तेरे को नुकसान होगा। नुकसान होना करके ही लाया हूं कि मुझे नुकसान देखना है।
नुकसान काय का होगा, तूने मेरा प्राण बचाया है, लवंग ला के समुद्र में गिरा और ने इसके 500 जहाजों में सोने के मोहर भर के वापस भेजो। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलिए सत्य वचन धारी गुरुदेव की। गुरुओं के शरीर की शक्ति पर, रंग रूप पर मत जाना ग्रामीण जनों, उनके भजन की शक्ति पर जाना। अगर वो भजन कर रहे हैं तो वो गुरु हैं। खाली कार में सीधे उतरे, कथा सुनाए न सीधे बेडरूम में जा रहे हैं तो कथा बोलने भी योग्यता नहीं है उनकी कथा में।